सर्विद स्टाइल में मैं साधना आपका स्वागत करती हूँ। YouTube का पहला ऐसा चैनल जहाँ बनाना एवं सजाना दोनों चीज़ें एक साथ एंजॉय कर सकते हो। सावन के महीने में घेवर खाने का विशेष शगुन होता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल रेसिपी जो कि बहुत कम घी के साथ तैयार हो जाती है, वो भी बगैर मोल्ड के। घेवर देखने में जितना जटिल लगता है बनाने में उतना ही आसान होता है। बस कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी होंगी, 100% गारंटी के साथ आपके घेवर परफेक्ट बनेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ। चौथाई कप देशी घी को चौथाई कप आइस कोल्ड वाटर के साथ हम फेंटेंगे, क्रीमी होने तक फेंटेंगे। दो से तीन बार चलाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। एक बार और चला लेते हैं। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया और क्रीम जैसा चिकना भी हो गया है। आधा कप ठंडा दूध डालेंगे, फिर से चलाएंगे। मिक्सी को लगातार नहीं चलाने हैं, सिर्फ पल्स देनी है। दो तीन पल्स दी और फिर खोलकर चला लिया, फिर से पल्स दी, फिर चला लिया। अब ये क्रीम जैसा हो गया तो इसमें हमने थोड़ी सी मैदा डाली है, फिर ठंडा पानी डाला है, फिर मैदा डालेंगे, फिर ठंडा पानी डालेंगे और चलाएंगे। धीरे धीरे यही प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है। फिर से पानी डालेंगे, एक टेबल स्पून बेसन डालेंगे, फिर से चलाएंगे। इसमें हमने टोटल 2 कप मैदा डाली है और 3 कप ठंडा पानी डाला है। स्मूथ बैटर तैयार हो गया है, ये देखिए। अब इसमें हमने 1 नींबू का रस डाल दिया है, अच्छे से चला लेंगे। बैटर हमारा बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, जो मेज़रमेंट बताया है बस उसी को फॉलो करना है आग बंद करके। ये देखिए रनिंग बैटर है। एक मैंने छोटा पैन लिया है, हाइट उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि मेरे को छोटे छोटे घेवर बनाने हैं और उसमें घी भी कम लगता है। तो इसमें मैंने 2 कप देशी घी के डाल लिए हैं। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और बीचों बीच बैटर को थोड़ी ऊंचाई से छोड़ेंगे। चौथाई कप लेंगे और फिर चौथाई का आधा बैटर डालेंगे और बीचों बीच स्पेस कर लेंगे थोड़ा बेलन की सहायता से, नहीं तो कोई स्पैचुला से आप कर सकते हो। जैसे ही झाग ठंडे हो जाते हैं वैसे ही आप थोड़ा ऐसा स्पेस करिए और बैटर डालिए थोड़ी ऊंचाई से, तकरीबन 1 फीट की ऊंचाई होनी चाहिए। आंच को आप तेज रखिए, बिल्कुल धीरे धीरे डालना है। बस बीच में थोड़ा स्पेस डालिए। ये मैं यहाँ पर किनारी बना रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो बना सकते हो, चाहे आप इसको स्किप भी कर सकते हो। चाकू की मदद से थोड़ी इसकी किनारी को हम छुड़ाएंगे जिससे ये थोड़ा नीचे चला जाएगा और ऊपर भी अच्छे से सिक जाएगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा। ये देखिए ये नीचे चला गया थोड़ा सा, ये देखिए किनारी को अच्छे से छुड़ा लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमने इसको पतला बनाया है, अब नेक्स्ट टाइम इसको हम थोड़ा सा और मोटा बनाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर कलर आया है और जाली देखिए इसकी कितनी सुंदर आई है, बिल्कुल हलवाई जैसा टेक्सचर आया है। ये जो थोड़ा सा बच जाता है उसको ज़रूर आप निकाल लीजिए, ये वेस्टेज नहीं है। ये हमने दूसरा तैयार किया, ये तीसरा तैयार किया। 1 लीटर बैटर बना है जिसमें पूरे 10 घेवर बनकर तैयार हो जाते हैं और वो भी सिर्फ आधे घंटे के अंदर। ये देखिए 7 घेवर तैयार कर लिए हैं। घी थोड़ा कम हो गया है तो हमने चौथाई कप और डाल दिया है।
टोटल इसमें हमने 1.25 कप घी डाला है और 1/2 कप से कम घी लगा है इसमें टोटल। तो बहुत ही कम घी में तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल शुद्ध गाय के देशी घी से घेवर तैयार हुए हैं और वो भी अच्छी क्वांटिटी में। और इसको बनाने का जो आनंद आता है वो मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बनाते समय इसकी जो छन छन की आवाज़ बहुत ही शानदार लगती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें अपने घर पर बनाने की। बस एक बात का ध्यान रखना है, जो झाग ऊपर तक आते हैं वो बर्तन के बाहर तक ना निकल जाएं। बस जैसे ही ये सिक जाता है ऊपर आ जाता है, ये देखिए ऊपर आ गया। इसको निकाल लेते हैं। इसमें हमारे 10 घेवर बनकर तैयार हुए हैं मीडियम साइज़ के। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 1 कप शुगर में 1/2 कप पानी डालकर अच्छे से उबाल लिया है। मैंने ये चाशनी और रबड़ी का वीडियो अपने डिज़ाइनर जलेबी में के वीडियो में शेयर किया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। बस उसमें मैंने चिपचिपी चाशनी बनाई थी और इसमें 1 तार की चाशनी बनानी है। ये देखिए तार खिंचने तक पकाना है और गैस बंद कर देनी है। केवड़ा एसेंस डालना है और इसमें इलायची पाउडर मैंने डाल दिया है। अब सजा लेते हैं। ये देखिए कितने शानदार घेवर बनकर तैयार हुए हैं और वो भी अपने हाथों से तैयार करना एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। ध्यान रहे आप घेवर बना के एयर टाइट कंटेनर में रख लें। जब सर्व करना हो तो चाशनी डालें और फिर चाहे तो ड्राई फ्रूट्स डालें और रबड़ी डालें। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ कटे हुए बादाम, पिस्ते, काजू और नारियल का बुरादा डाला है। थोड़ा सा केसर भी डाल दिया है, इलायची, खरबूजे के बीज और चिरौंजी भी डाल दी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। रबड़ी आप तब ही डालें जब आपको सर्व करना है, अदरवाइज रबड़ी वाले घेवर जल्दी ख़राब होते हैं, आप इनको रख नहीं सकते हैं। चलिए अब शुरू कर लेते हैं हम प्लेटिंग। यहाँ पर मैं अपने एक फेवरेट कप का यूज़ करूँगी जिसे मेरे को मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। फोक एंड नाइफ में हमने एक हैंग कर दिया है घेवर को, एक्स्ट्रा रबड़ी रख दी है, टोंग रख दिया है, स्पून एंड नैपकिन रख दिया है। इसमें 2 छोटे ग्लास में क्रॉस में हमने फोक रखे हैं और बीच में एक्स्ट्रा रबड़ी रख दी है। देखिए कितना सिंपल है, कुछ ही सेकंड्स में प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से 4 रख देते हैं एक साथ और एक्स्ट्रा रबड़ी ज़रूर रख देंगे। ये देखिए कितना सिंपल है। यह हमने 2 ग्लास के बीच में रखे हैं और फोक बीच में फंसा दी है और इस तरह से हैंग कर दिया है दूसरे घेवर को। एक्स्ट्रा रबड़ी रख दी है, नैपकिन्स रख दिए हैं। यहाँ पर कॉकटेल ग्लास में हम के साइड में हमने रखे हैं दोनों। ये देखिए इतना सिंपल है और कितना शानदार लग रहा है। आप कॉकटेल ग्लास की जगह कोई प्लेन ग्लास भी रख सकते हो। सचमुच बहुत प्रसन्नता होती है जब आप बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट्स आप हमें करते हो। आप बस यूं ही अपना प्यार लुटाते रहें। हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग डिश के साथ। कोशिश रहेगी कुछ नए प्रेजेंटेशन आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने की। यदि आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ।